नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर। और पिछले कुछ दिनों से लोकी के ऊपर कुछ ज्यादा ही वीडियोस आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग किया जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो कम्प्लीटली स्पॉइलर फ्री वीडियो होने वाली है, एज हम पायरेसी को प्रमोट नहीं करते। तो अभी इस वीडियो के बाद जितनी भी वीडियोस आप देखने वाले हो वो सारी की सारी स्पॉइलर फ्री होगी। तो मूवी रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो इंडिया में मूवी रिलीज होने के बाद ही आएगा। एंड इस वीडियो में हम ब्लैक विडो के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे, जिसमें हम कुछ फैक्ट्स कॉमिक्स से भी लेंगे और कुछ फैक्ट्स एमसीयू की मूवीज से भी, जिन्हें सुनने के बाद ट्रूली आप ब्लैक विडो के फैन बन जाओगे। फैक्ट नंबर 1, हमने मार्वल की मूवीज में ब्लैक विडो और ब्रूस के लव स्टोरी का आर्क कई बार देखा है, स्पेशली एवेंजर्स की मूवीज में। एंड ये वन ऑफ दी एमसीयू का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉमिक्स में ब्लैक विडो के कई लवर्स रह चुके हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका, हॉकआई, डेयरडेविल, विंटर सोल्जर, स्पाइडरमैन, आयरन मैन एंड यहाँ तक कि हरक्यूलिस भी। ऑलमोस्ट ये सभी मार्वल सुपर हीरोज के साथ रिलेशनशिप में रही है, पर कॉमिक्स में ये कभी भी हमें हल्क के साथ दिखाई नहीं दी। वही एमसीयू में हमने हल्क और नताशा की एक ट्विस्टेड लव स्टोरी देखने को मिली है, जो अगर थोड़ी आगे जाती तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता एंड शायद मेरी तरह बाकी के फैंस को भी पसंद आता। फैक्ट नंबर 2, एवेंजर 1 की मूवी में जब नताशा ब्रूस बैनर को कोलकाता से शील्ड में लाने के लिए आई होती है, तो वो पहली बार नहीं होता जब वो ब्रूस से मिलती है। हाँ, हो सकता है कि ब्रूस यहाँ उससे पहली बार मिल रहा हो, लेकिन नताशा उससे पहली बार नहीं मिलती। एंड इनफैक्ट जब इस सीन में ब्रूस यहाँ उससे ये पूछता है कि मुझे ढूंढा कैसे, तो उसके रिस्पॉन्स में नताशा उससे कहती है कि तुम्हें खोया ही कब था, बस दूरी बनाए रखी थी। मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें खोया ही कब था डॉक्टर, बस दूरी बनाकर रखी थी। जो बस इस मूवी के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि द इनक्रेडिबल हल्क में जब कल्वो यूनिवर्सिटी में हल्क एंड मिलिट्री की फाइट होती है, तो वहाँ नताशा भी प्रेजेंट होती है ताकि वो उस पर नजर रख सके। ऐसे हमारे महान निक फ्यूरी को जनरल रॉस के प्लान्स ऑलरेडी पता थे, तो वो नजर रखने के लिए नताशा को भेजते हैं, लेकिन एज उस फाइट में वो लेट पहुंचती है, इसलिए नताशा हमें उस शॉट में कभी दिखाई नहीं देती। फैक्ट नंबर 3, नताशा की हॉटनेस कितनी ज्यादा है वो हम सबको पता है, एंड यही उसका एक सुपर एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है, जो उसे कई बार अंडरकवर मिशंस में मदद करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2004 से लेकर 2007 तक उसने फ्रांस, इटली, टोक्यो एंड यूएस जैसे कंट्रीज में नेटली रशमन नाम यूज करके मॉडलिंग करी। प्लस उसके इन सालों में जब वो अंडरकवर होकर मॉडलिंग कर रही थी, तब उसने हिस्ट्री में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बीए एंड एमए की डिग्री ली। फैक्ट नंबर 4, 2009 में जब विंटर सोल्जर को एक मिशन पर भेजा गया था, तब उसके हाथों नताशा ऑलमोस्ट मारी गई थी, क्योंकि जब विंटर सोल्जर को एक वुमन साइंटिस्ट को मारने भेजा जाता है, तब उसी सेम वुमन को बचाने के लिए ब्लैक विडो को अपॉइंट किया जाता है। एंड जब विंटर सोल्जर और ब्लैक विडो के बीच फाइट होती है, तो उस फाइट में विंटर सोल्जर ब्लैक विडो और उस साइंटिस्ट को क्लिफ से नीचे फेंक देता है, पर नताशा खुद को और उस वुमन साइंटिस्ट को दोनों को ही गिरने से बचा लेती है। लेकिन एज विंटर सोल्जर उस टाइम अपने फुल असेसिन वाले पोटेंशियल में था, तो वो गोली मारकर उस वुमन को मार देता है। एंड वो जो गोली होती है वो विडो के पेट से होकर गुजरती है, जिसका निशान हमें कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर में भी देखने को मिला है। खड़ी थी पर उस पर चलाई हुई गोली मुझसे होकर निकल गई। फैक्ट नंबर 5, नताशा रोमानोव को ब्लैक विडो क्यों कहा जाता है, ये आई गेस बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, और अगर जानते भी हैं तो वो मे बी बस इतना जानते होंगे कि कॉमिक्स में उसका एक पति था, वो मर गया, इसीलिए उसे काली विधवा बुलाने लगे। ऑल्दो ये 20-30% सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ब्लैक विडो को उसका नाम उसके पति के मरने की वजह से नहीं मिला, बल्कि उसे अपना नाम एक स्पाइडर की वजह से मिला है, जिसका नाम ब्लैक विडो है। ये स्पाइडर बहुत ही जहरीला होता है एंड इसके काटने से बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। अब इस स्पाइडर को ब्लैक विडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लैक तो है ही, पर जब ये किसी मेल के साथ मेट करती है, तो वो दिन उस मेल का आखिरी दिन होता है, क्योंकि ये जाहिल औरत उसे जिंदा खा जाती है। प्लस जो लोगो इसके पेट पर होता है, वही सेम लोगो नताशा वाली ब्लैक विडो के बेल्ट पर भी होता है, जो उसके काइंड ऑफ डेंजरस होने का सिंबलिफिकेशन है। एंड हाँ, जितनी डेंजरस रेड रूम की ट्रेनिंग से इन्हें गुजरना पड़ता है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि क्यों ये इतनी खतरनाक है एंड इसका नाम ब्लैक विडो है। फैक्ट नंबर 6, स्कारलेट जोहानसन कितनी अमेजिंग और टैलेंटेड है वो हम सभी इसकी एक्टिंग स्किल्स और हॉटनेस को देखकर समझ ही सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अपने इस रोल को इतना सीरियसली लेती है कि इस रोल के ऑफर को सुनने के बाद ये इतना एक्साइटेड हो गई थी कि इसने बहुत सी फाइटिंग ट्रेनिंग्स ली एंड इस रोल के लिए इसने तुरंत ही अपने बाल डाई करा लिए। ऑल्सो जब एवेंजर्स में उसे रशियन वेपन डीलर्स पकड़ते हैं, तो वो उस रशियन बॉस से रशियन लैंग्वेज में बात करती है एंड ये बस 2-4 लाइंस थी जो उसे रशियन में बोलनी थी, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को इतना ज्यादा एडमायर करती है कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिवील किया कि वो किसी रट्टू पोपट की तरह इन लाइंस को कहना नहीं चाहती थी, वो इन
में फील लाना चाहती थी, इसलिए उसने एक रशियन टीचर से फोन पर रशियन लैंग्वेज सीखी। ऑल्सो उस कॉन्फ्रेंस में उसने रशियन ऑडियंस के सामने कुछ रशियन लाइंस भी बोली, जिसे सुनते ही वहाँ की ऑडियंस पागल सी हो गई। एंड सच कहता हूँ, अगर मैं भी वही होता तो मैं भी पागल हो जाता। फैक्ट नंबर 7, नताशा रोमानोफ को हम सबसे पहली ब्लैक विडो मानते हैं, लेकिन फैक्ट की बात यह है कि वो फर्स्ट ब्लैक विडो नहीं है और ना ही कभी थी। इनफैक्ट उसके जैसे और भी कई ब्लैक विडो मौजूद हैं, लेकिन एज वो सभी अंडरकवर होके काम करते हैं, इसलिए हमें उनके बारे में कभी भी ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिला। एंड एज नताशा रोमानोफ उनके चंगुल से भागकर शील्ड के लिए काम करना स्टार्ट करती है, जिसके बाद अल्टीमेटली वो एवेंजर्स को ज्वाइन करती है एंड एक एवेंजर बनती है, इसलिए हमें उसके बारे में ज्यादा पता है एंड हमें लगता है कि वो पहली ब्लैक विडो है। अब ऑल्दो वो पहली ब्लैक विडो नहीं है, लेकिन वो सभी ब्लैक विडोज में सबसे डेंजरस जरूर है। फैक्ट नंबर 8, कॉमिक्स में ब्लैक विडो सबसे पहले एज अ विलन के तौर पर अपीयर हुई थी एंड उसके कॉस्ट्यूम का कलर भी डिफरेंट था। वो तभी ग्रीनिश कलर का कॉस्ट्यूम पहनती थी जो किसी रिच मैडम के जैसे लगता था, लेकिन बाद में उसका कॉस्ट्यूम का डिजाइन चेंज किया गया। ऑल्सो ब्लैक विडो का जो कैरेक्टर है उसे स्टैनली ने एक ऑलरेडी पॉपुलर कार्टून शो जिसका नाम रॉकी एंड बुलविंकल था उसे देखने के बाद क्रिएट किया। बोरिस बैंडनोव और उसकी सिस्टर नताशा फेटले जो रशियन स्पाई होते हैं एंड इन्हीं से इंस्पायर होकर स्टैनली ने ब्लैक विडो को क्रिएट किया, जहां उन्होंने ब्लैक विडो का नाम नताशा फेटले की जगह नताशा रोमानोफ कर दिया। फैक्ट नंबर 9, अब एंड गेम तो हम सभी ने देखा है एंड उसमें ब्लैक विडो ने जो सबको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी वो भी काबिले तारीफ थी, लेकिन असल में जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ उस सीन में हॉकाई खुद को सैक्रिफाइस करने वाला था, पर केविन फाइगी के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज की जो फीमेल प्रोडक्शन की टीम है उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये बेहतर होगा कि अगर हम हॉकाई की जगह ब्लैक विडो की स्टोरी को खत्म कर दें, जिससे उसके स्टोरी को एक रिमार्केबल एंड मिलेगा। फैक्ट नंबर 10, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में नताशा रोमानोफ एके ब्लैक विडो हमें बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल दिखाई गई है, क्योंकि वो 1984 में पैदा हुई थी, जो कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में आर्नेम ज़ोला कहता भी है जब वो लोग कैप्टन के ट्रियो में। और तब तक के लिए आप हमारे इन दोनों में से कोई भी वीडियो देख सकते हो। छोड़ दी है तेरे भाई ने मोह माया, काम कर रहा उतना जितना हो पाया, जिसके लिए जो भी करा करा पूरे मन से, और लात मार के बाहर फेंका जिसने करे डंडे। बेमतलब की जय जय पे पे किसी की भी सुननी नहीं, एक करती है फोन रात में बोलती है पर सुनती नहीं, नी सारी गलती।